facilitating the session on World Health Day with our spectacular leader of our dynamic organization. The conversations and learnings we had were illuminating. Every session meetings chaired by our worthy Additional Chief Secretary Sir, Health Haryana, Shri Rajiv Arora Ji, gives absolute joy and overwhelming confidence for change advocacy and sustainability of SDG 2030. To cast seeds of lasting and sustainable change, I now invite our worthy Chief Guest Sir, Shri Rajiv Arora IAS, to motivate and transgress us into new norms with grit and determination. Dr. Garimar and Dr. Meena Singh, our Director General Health Services, senior doctors and media men present here. सबसे पहले तो मैं जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप और हम तो सारे व्यक्ति यहाँ पर एज पार्ट ऑफ अर जॉब इसके यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर रनिंग द प्रोग्राम ऑन द ड्रग्स एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स, बट मोस्ट पीपल हु आर नॉट इन दिस पर्टिकुलर विच इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर देम, उनके लिए ये सब करना जो है दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम वट एवर दे आर डूइंग एज अ जॉब, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कमिटमेंट। So I will not say much about it, whatever I have been given by the department contains a lot of statistics, just that, but I will concentrate only on key points. First and foremost, as far as the drugs are concerned, by now we know that, and it has been mentioned also, that primarily people started just for the sake of fun. So which means the youngsters, the campuses, universities, just that, they are the areas where people take into it. So our first goal is always to see that how we can kind of suppress the demand. और उस demand को suppress करने के लिए जो हमारी एक appropriate messaging है वो स्कूलों में हो सकती है, colleges में हो सकती है, गाँव में हो सकती है, छोटे शहरों में हो सकती है, क्योंकि अब ये बड़ा misnomer हो गया कि drugs जो हैं वो सिर्फ एक cosmopolitan या metropolitan cities का phenomenon है। जैसा कि आप बहुत सारे states में देख रहे हैं at all levels जो हमारी ये drugs की problem है वो गांव-गांव में बहुत छोटे छोटे स्थानों पर हर तरह के जो हमारे सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा से लोग आते हैं एंड सबसे ज़्यादा इनफैक्ट नुकसान और सबसे ज़्यादा जो रुइन भी है वो उसी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में हो रहा है। सो हमारी जो डिमांड साइड पर सप्रेस करने के लिए जो एक अप्रोप्रिएट IAC मैसेजिंग होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार से हम एक अप्रोप्रिएट मैसेजिंग हर लेवल पर डेवलप करते हैं और लोगों को उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती and how we would have to start it for sake of fun also. That has to be at all levels and that has to be very very intensive. Second आता है कि supply side पे आपका जहाँ पर भी अगर कोई लोग लेना चाहते हैं तो there are people also who are supplying also. Now since I am also part of the home department, I am also the ACS for home. So on the home side that is their primary job, जो हमारे ड्रग्स के लिए एक हमने स्पेशल नारकोटिक्स ब्यूरो स्टेट लेवल पर बनाया है, सेंट्रल लेवल पर नारकोटिक्स ब्यूरो हैं, इवन जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है पुलिस फोर्सेज हैं उनका भी जो मेन काम है अपार्ट फ्रॉम द अदर क्राइम ड्रग कंट्रोल करना, ड्रग की सप्लाई कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन वर्क। सो दैट इज समथिंग विच इज टेकन केयर ऑफ बाय देम, बट प्रोबेबली द पीपल हु आर द कंज्यूमर्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गिव वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इनटू कि कहाँ पर सप्लाई हो रही है, कौन सप्लायर्स हैं, कौन कैंडिडेट्स हैं, कहाँ से आती हैं, तो ये एक जो है सप्लाई साइड को हमें कैसे सप्रेस करना है। उसके बाद जो हमारा काम शुरू हो जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट का, पहले तो हमारी डिमांड सप्रेस करने के लिए उस मैसेजिंग में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद ये है कि हमें पता है कि लोग जो हैं ये ड्रग्स दे रहे हैं, नाउ हाउ टू मैनेज दैट, नाउ दे हैव टू बी काइंड ऑफ ट्रीटेड विद लॉट ऑफ कॉशन एंड केयर एंड एवरीथिंग सो दैट दे डोंट go deep into the consumption pattern. So as patients, उनको कैसे ट्रीट करना है, किस प्रकार से हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को उनको टेक केयर करना है, जो उनके फिजिकल और मेंटल चेंजेस हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को करनी है। एंड लास्ट वो काम आ जाता है कि जब वैन पीपल हैव बीन ब्रॉट टू अ पर्टिकुलर लेवल, फिर उसका जो रीहैब प्रॉब्लम है, जो रीहैबिलिटेशन का सारा कार्यक्रम है, वो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट अगेन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आल्सो। तो ये जो चार बेसिकली हैं कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कैसे करनी है, सप्लाई साइड कैसे करना है, जो कंज्यूमर्स बन चुके हैं उनको हमने एज पेशेंट्स कैसे मैनेज करना है, एंड फाइनली जो जिन लोगों को हम
बीन अवे कर चुके हैं या जिनको हम ऑलमोस्ट एक स्टैटिक लेवल पे ले आए हैं, उसको किस प्रकार से हमें रिहैबिलिटेट करना है, ये सारे के सारे जब वेन्स जो हैं जब तक एक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, जब तक इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे, तो एक सिग्निफिकेंट डेंट जो है वो हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इन द लास्ट टू ईयर्स द यूज ऑफ ड्रग अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, यंगस्टर, ओल्ड वेमेन, इनफैक्ट रूरल एरियाज, पीपल विद हार्डली एनी रिसोर्सेज, हर तरह की चीज़ों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो चलन है वो बढ़ गया है, जिससे कि फैमिलीज तबाह हो रही हैं। यूथ तो तबाह हो ही रहा है, साथ में फैमिलीज की फैमिलीज में जो इसमें तबाह हो रही हैं, तो इसको हमें आई थिंक दिस इज वन एरिया विच रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपको नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, वी हैव टू हैव काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट्स सो दैट वी गेट अवेयरनेस, बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू रियली वॉन्ट टू टैकल दिस वी हैव टू गो फॉर ए हाईली कमिटेड प्रोग्राम, हाईली कमिटेड इंडिविजुअल्स जो कि बकायदा कमिटमेंट के साथ उस प्रोग्राम को ग्रास रूट लेवल पर लेके जाते हैं और कमिटमेंट के साथ उसको आगे लेके जाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इट इज़ अनलाइक एनी अदर हेल्थ प्रोग्राम विच वी आर रनिंग, आई थिंक इट्स अ प्रोग्राम विच रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, बिकॉज एज ऑल ऑफ यू नो एज डॉक्टर्स ऑल्सो देन देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, एड्स की प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी यूज हो रही हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट सी दैट किस प्रकार से जो स्ट्रेन है आपकी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, आपकी सोसाइटी के ऊपर, अगर एक भी व्यक्ति जो है अगर उसमें इस प्रकार की लत लग जाती है तो उसका जो स्ट्रेन है सोसाइटी पे किस प्रकार से आता है, एंड अल्टीमेटली जो हमारे सीमित रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, अब उन रिसोर्सेज को क्या हम जो वो लोग हैं जो बाकी डिजर्व करते हैं उन रिसोर्सेज का एलोकेशन, या जो इस प्रकार से लोग एक तरह से इस पर्टिकुलर चक्र में फंस जाते हैं उनके ऊपर भी रिसोर्सेज करने पड़ते हैं, विच मीन दैट अल्टीमेटली वी आर वीनिंग अवे अवर रिसोर्सेज फ्रॉम विच शुड बी स्पेंड ऑन द हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ पीपल, ऑन द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विच इज परफेक्टली अवॉइडेबल है, शुरू नहीं है उसको। तो इसलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि बहुत एक कमिटमेंट के साथ पर्टिकुलर प्रोग्राम को लीजिए, डोंट टेक इट एज एनी अदर प्रोग्राम, बिकॉज इट इज अ प्रोग्राम विच रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, हैज़ टू बी लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनजीओज, प्राइवेट पर्सन, अदर, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, एंड इन सोसाइटी अनलेस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट इन इट वी विल नेवर बी एबल टू टैकल। आई थिंक विद दीज आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू for having congregated here for a small time, and I'm sure that whatever festivities we have started today, they will ultimately go down to all the districts, all the nook and corner of the state, and we will be able to spread the message of the drug abuse among the all sections of society, ki iska kya harmful, kitna iska harmful hai, kitni iski problems hain, aur kis prakar se society pe iska kamyaab ho sakta hai. Dhanyawad. And talking about the theme for this year, Be Smart, Don't Start, because it will start a whole process of issues and so many departments are involved. And beautifully expressed that intersectoral coordination to deal with this issue of drug abuse. So I thank you, sir, for your presence and for your kindness.